लंच टाइम हो गया है और लंच करने के लिए हम आए हैं हैदराबाद हाउस में। और यहाँ पर मैंने सुना है बहुत जो बिरयानी होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की। और अभी भी जो है मेरे फ्रेंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरा क्राउड पूरा भरा हुआ है। और हमने अभी बिरयानी ऑर्डर करी है, एक वेज बिरयानी और एक चिकन बिरयानी और दो कोल्ड ड्रिंक भी हैं। सूप पीने का मन था क्योंकि थोड़ी ठंड हो रही है बाहर, तो सूप मैंने बोला उन्हें लाने के लिए, बट उन्होंने सूप बोला कि अभी है नहीं, फिनिश हो गया सूप। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है इसलिए वो फिनिश हो गया। तो देखते हैं बाकी टेस्ट करके बताता हूँ यहाँ का फूड कैसा है। एज ऑफ नाउ यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बढ़िया लगा। अच्छी लाइटनिंग है, बैठने की अच्छी जगह, बिल्कुल कॉर्नर सीट मिली है हम दोनों को, तो तसल्ली से बैठे हुए हैं। और देखते हैं फूड टेस्ट करते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ का फूड कैसा है। मैंने मंगवाया है चिकन बिरयानी और इनका है अरोमा वेज बिरयानी, अरोमा स्पेशल वेज बिरयानी। क्वांटिटी आप देख सकते हो, मस्त क्वांटिटी है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं अकेला फिनिश कर पाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैकिंग करके लेकर आना पड़ा, बट हाँ टेस्टी लग रहा है। तो लेट्स सी कैसा रहता है फूड, यम्मी लग रहा है बहुत। मैंने जो मंगवाया था वो था बोनलेस चिकन बिरयानी, तो विदाउट बोन के चिकन खाने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब जो बोन्स होते हैं वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्योर चिकन बचा हुआ है इसमें। ये पूरा बॉल भर के आया था इसमें, तो इतना ही फिनिश हुआ है, मुझे लग नहीं रहा कि पूरा फिनिश होगा, फिनिश नहीं हुआ ना तो पैक करवा के घर लेके जाएंगे, शाम को अपना डिनर हो जाएगा। हो जाए फिनिश, अरे क्या बात है, बहुत टाइम से मैं चीज़ के लिए थोड़ा बुरा। यहाँ का हैदराबाद हाउस है, ये देखते हैं यहाँ का व्यू, अंदर से कितना शानदार दिख रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डर आया था मंगाया भी मैंने, मस्त है, सिंपल है, ज़्यादा फाटा हुआ फाटा नहीं डाला उसमें, सिंपल है, अच्छा लग रहा है, खुश हो जाएगा क्या मुझे, हो जाएगा क्या बहुत सारा। फिनिश करना पड़ेगा, इतना चालू हो जाएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा रायता आ गया, इतना सारा जितना मर्जी लेना ले लो। यहाँ पे ये तो है कि क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने मांगा और उन्हें थोड़ा सा ला के ले दिया, देखो पूरा उन्हें बॉल ला के ले दिया ग्राहक का, आराम से तसल्ली से जितना लेना ले लो, इससे ज़्यादा और क्या अच्छा। बड़ा बड़ा टेस्टी लग रहा है, रायता ही रायता पी रहा हूँ मेरे, हालांकि कोल्ड ड्रिंक भी है अभी पेट देखो बाहर को आ गए, पेट बाहर आ गए इनका। मौसम टेस्ट का
काम करो ना, यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं कुछ के साथ। 5 बजे गिलास तो मंगाओ, मैंने पानी करेंगे, थोड़ा कोक हो जाए, खाना ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा इससे। इसका कॉस्ट भी बता देता हूँ मैं आपको, जो अरोमा स्पेशल वेज थाली थी वो आपको पड़ी 289 की, और ये जो बोनलेस चिकन बिरयानी थी ये है 299 की। और प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी ऑसम और इसका जो टेस्ट था वो भी ऑसम। फूड की कोई रेटिंग पूछेगा तो मेरे हिसाब से 5 out of 5 फुल मार्क्स, फुल पॉइंट, फुल फीडबैक, फुल रिव्यू, जो भी है जो भी कहते हैं। चलो अपना लंच हो गया और मज़ा आ गया, पेट भर गया पूरा, अब नींद सी आने लग गई है। और खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, भर भर के खाना खाया हमने। और इसका जो टोटल बिल आया वो जस्ट आया 702 रुपीज़। तो जो प्राइस है और फूड का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी है उसके हिसाब से 702 रुपीज़ वर्थ इट है और बहुत अच्छा है। अगर यही चीज़ अगर आप दिल्ली NCR में खाते तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा, मज़ा आ गया। तो नींद सी आने लग गई यहीं पे, थोड़ी देर रुक के जाते हैं, लंच वंच हो गया, बिल पे कर दिया हमने, अब थोड़ी देर बैठेंगे तसल्ली से 5 मिनट, अपनी कोल्ड ड्रिंक बची है मेरी थोड़ी सी, इसे फिनिश करते हैं फिर जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छी लगी ये जगह, नहीं बहुत अच्छी जगह है। और कभी पुणे अगर आप आते हो पुणे सिटी में तो आप हैदराबाद हाउस ज़रूर आइएगा, आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ का जो स्पेशल जो है बिरयानी, चाहे वेज बिरयानी हो चाहे चिकन बिरयानी हो, बहुत टेस्टी था। तो आप यहाँ आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा। और यहाँ का जो बैठने की जो सेटिंग वगैरह, जिस तरीके की यहाँ पर लाइटिंग वगैरह है, पूरा फैमिली रेस्टोरेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ ही आ सकते हो, आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली सबके साथ आ सकते हो। अच्छी जगह है, अच्छा लगेगा आपको।